दिलजीत दोसांझ इन दिनों देश भर में इल्लुमिनाटी कॉन्सर्ट कर रहे हैं। 15 नवंबर यानी आज उनका ये टूर हैदराबाद में होना है, मगर उससे पहले दिलजीत को तेलंगाना सरकार की तरफ से एक तगड़ा नोटिस मिला है। ये नोटिस उनके इस इल्लुमिनाटी टूर को लेके ही है, जिसमें सरकार ने उनसे कुछ गानों को ना गाने और उन्हें कुछ खास एक्शन लेने से मना किया है। क्यों मिला है ये नोटिस, क्या क्या है चीज़ें हैं इसमें, आइए बताते हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार ने दिलजीत को हैदराबाद कॉन्सर्ट के लिए ये हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि दिलजीत किसी भी ऐसे गाने पर परफॉर्म ना करें या ऐसे गानों को कॉन्सर्ट में ना गाएं जिसमें अल्कोहल, ड्रग्स या वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत के कुछ पुराने कॉन्सर्ट में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये हिदायत दी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसी नोटिस में ये भी कहा गया है कि दिलजीत स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी बच्चे को स्टेज पर ना बुलाएं, ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को हाई साउंड लेवल से बचाया जा सके। हु की गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों के लिए ये सेफ नहीं है, उनके कानों पर इतने लाउड म्यूजिक का गलत प्रभाव पड़ता है। भेजे गए नोटिस में दिलजीत के पुराने कॉन्सर्ट के वीडियोस का सबूत पेश किया गया है, जिसमें शराब, ड्रग्स को प्रमोट करते हुए गाने गाए गए हैं, जैसे कि सॉन्ग पटियाला पैग। ये गाने उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गाए थे। दिल्ली वाले इसी टूर के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगा था कि इवेंट खत्म होने के बाद लोगों ने स्टेडियम में बहुत गंदगी मचाई और तोड़फोड़ भी की। खैर, दिलजीत का इल्लुमिनाटी टूर शुरू होने से पहले ही चर्चा में आ गया था। वजह थी इसकी टिकट, जो मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी। बाद में ये इतनी महंगी बिकी कि खबरें बनने लगी। 19,000 से लेकर 35,000 तक की टिकटें अलग अलग कैटेगरी में बेची गई। आरोप ये भी लगा कि इल्लुमिनाटी टूर की टिकटों को लोगों ने ब्लैक में भी खरीदा बेचा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये दिलजीत की PR टीम का ही काम था, जिन्होंने टिकट के दामों में हेर फेर किया था। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है, दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है, मम्मी कैसी हैं, ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे। आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।